गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मीन इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। डेफिनेशन देखिए, एन एपी मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, यहां कुछ नंबर आएंगे जिनकी लिस्ट है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग a fixed number to the preceding term, except the first term. ठीक है, first term से हम starting लेंगे। तो इसने कहा एक fixed number आप add करते देंगे। Like that, starting हमने मान लिया 1 से ले ली। अब आप fixed number add करते जाइए। 3 आप add कीजिए, 1 में 3 add कीजिए, 4, फिर 3 add कीजिए, 7, फिर 3 add कीजिए, 10। तो इस तरह की हमारे पास ये जो series है, देखिए यहाँ difference 3 थ्री थ्री, तो इस तरह की जो नंबर सीरीज है या सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या है, एपी, कोई भी नंबर की लिस्ट। अगर उनकी फिक्स डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है, लाइक दैट 10 7 3 माइनस करते जाइए 4 1 आ जाएगा, आप करोगे तो माइनस 2, इस तरह भी आपकी लिस्ट हो सकती है। ये This fixed number is called the common difference. ये जो हमारे पास fixed number है, जो हमारा यहाँ बैठ गया 3 3, इधर आप देखो तो -3, फिर -3, फिर -3, तो आपका क्या है, common difference, जिसको हम denote करते हैं D से। और IP, remember that it can be positive, negative, zero. ये जो fixed number है, आपका positive भी हो सकता है, देखिए यहाँ 3, negative हो सकता है, और आपकी सीक्वेंस कुछ ऐसी भी हो सकती है, तो इसमें आपका डिफरेंस जीरो है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। देखिए कैसे हम इसको लिखेंगे, ए कॉमा ए प्लस डी, या फिक्स नंबर हमने डी से नोट कर दिया, फिर वो डी ऐड कीजिए ए प्लस 2d, नेक्स्ट डी ऐड कीजिए ए प्लस 3d, तो इस तरह आपकी सीक्वेंस चलती रहेगी। यहाँ पे जो हमने यहाँ फर्स्ट टर्म लिया है, इसको हम डिनोट करेंगे A1 से, सेकेंड क्रम को A2 से, थर्ड क्रम को A3 से, और नेक्स्ट A4 आप डिनोट करेंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें इनको क्रमों को, देखिए A1 की जो वैल्यू हमने ली है वो है A, A2 की वैल्यू आपने ली है A प्लस D, A1 मीन फर्स्ट क्रम, इसको आप T1 से भी डिनोट कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन हमारे बुकों में फिलहाल जो A1 है, कुछ बुकें आपकी डेस्कटॉप के T1 से भी डिनोट कर सकती हैं, A2, A3, A+2D, एंड फिर हमने जाना AN3। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, A आपकी एडिटिव, यहाँ आपके पास D नहीं है, सुफिक्स में 1 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 - 1 D, मीन 0। A एडिटिव, सुफिक्स में आपका 2 है, तो 2 - 1 × D, सुफिक्स में आपका 3 है, तो 3 - 1 × D। तो इसको देखते हुए यहां पे देखिए आपका फॉर्मूला क्या आएगा, ए के लिए an इन nth टर्म, देखिए आपका फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस, देखिए तो 1 है तो 1 - 1, 2 2 - 1, 3 3 - 1, तो n के केस में हो जाएगा n - 1 × D। ये हमारा जो है nth टर्म को रिप्रेजेंट करेगा an। एक बार आप नोट कीजिए, हम दोबारा से एन पे आएंगे, अच्छे से आप नोट कीजिए। यहां पे जो हमने डिफरेंस देखिए, अगर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो डी, थर्ड में से सेकंड को फिर डी, फोर्थ में से थर्ड को डी, तो फिक्स टर्म आपकी वैल्यू कर देगा। ओके, अब हम हमारे एन पे आते हैं। कुछ एन देखिए हमारे पास क्या आया है, यहां पे a प्लस n माइनस 1d, a जो है यहां ये है फर्स्ट टर्म, दैट इज a1, d जो है वो है कॉमन डिफरेंस, कॉमन d की जो वैल्यू होगी, एक मिनट आप देखिए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस किया जाएगा, फर्स्ट में से सेकंड ही माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को, फिर थर्ड में से सेकंड को, एंड टू एन ए एन में से ए एन माइनस वन, तो जो डिफरेंस अगर सेम आए फिक्स है तो वो सीक्वेंस एपी है, अदरवाइज नॉन एपी
टर्म है. तो डी जो आप सेकंड माइनस फर्स्ट थर्ड माइनस सेकंड, अगर डिफरेंस आपको सेम आता है और वैल्यू सेम है तो एपी को रिप्रेजेंट करेगी सीक्वेंस, अदरवाइज एन की बात करते हैं. एन है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इन ए सीक्वेंस और सीरीज. सीक्वेंस है या सीरीज है, अगर टर्म्स के बीच में कॉमाज है तो सीक्वेंस हम कहेंगे उसको, लाइक दैट दिस. और अगर टर्म के बीच में प्लस या माइनस के सिंबल है साइन तो आप उसको सीरीज कहेंगे. तो जिस सीरीज या सीक्वेंस में टर्मों की काउंटिंग होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एन. और फॉर्मूला हमारा ये है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अगर टर्मों के बीच में कॉमाज है तो सीक्वेंस प्लस या माइनस की साइन है तो आप क्या बोलोगे उसको, सीरीज. देखिए ए कंट्रोल ए प्लस एन माइनस वन डी, ए में या एनथ नंबर की टर्म की काउंट करती. अगर हमें कोई बोल दे ए टेन निकालिए, ये टेंथ टर्म, तो आप एन को टेन से रिप्लेस कीजिए. ए प्लस रखिए यहाँ पे टेन माइनस वन दैट इज नाइनटीन. अगर ये कहे ट्वेंटी निकालिए तो आप टेन की जगह ट्वेंटी रखिए. ए प्लस ट्वेंटी माइनस वन नाइनटीन डी. कोई आपको बोल दे 36 टर्म निकालिए तो आप एन की जगह 36 रखिए. ए प्लस 35 डी. इस तरह आप फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं. तो मैं आपको ए एन को ध्यान रखना है, एन टर्म के लिए रिप्रेजेंट होगा. उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको ये चेक करना है कि ए पी है या नहीं. इसके सामने हम रखेंगे, अगर हमारी ये सीरीज रहेगी एपी चेक करने के लिए एक बात तो ध्यान दें, मिनिमम एट लीस्ट थ्री नंबर आपके पास हो. वन या टू नंबर आप चेक नहीं कर सकते, एट लीस्ट थ्री नंबर अगर होंगे तो आप एपी को चेक कर सकते हैं, अदरवाइज एट लीस्ट थ्री नंबर. तो यहां देखिए आपका डिफरेंस थ्री माइनस टू, सॉरी वन टू, फाइव माइनस थ्री टू, और यहां पे टू. ये एपी है सीक्वेंस. नेक्स्ट गैप देखिएगा टू टू टू, ये भी आपकी क्या है, एपी. यहां डिफरेंस देखिए सिक्स सिक्स, माइनस कीजिए नाइन माइनस थ्री सिक्स 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 एपी. ओके इधर देखिए फाइव माइनस वन फोर और सेवन माइनस फाइव टू, तो ये सेम नहीं है तो नॉट एपी. और कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं टू फोर सिक्स नाइन. देखिए यहाँ डिफरेंस आपका टू है, यहाँ भी टू है, बट यहाँ डिफरेंस हमारा थ्री है तो नॉट एपी. अगर ये डिफरेंस सेम होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड, तो वो सीक्वेंस या सीरीज आपकी एपी है, अदरवाइज आपकी एपी नहीं है. तो प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ नंबर्स हैं अगर उनके डिफरेंस जो है प्रीसीडिंग टर्म में से हम माइनस करें पहले वाले टर्म, अगर वो डिफरेंस आपका सेम है प्रोसीडिंग में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करोगे सेम डिफरेंस आएगा तो आपका जो सीक्वेंस या सीरीज एपी है, अदरवाइज नॉट एपी. इसी में हम एक एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1 एजी सी एक्सरसाइज है. देखिए हम इसके क्वेश्चनों को उठाएंगे, पहले हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. सेकंड क्वेश्चन में जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो एक बार आप देखिए, इसका थर्ड पार्ट स्टेटमेंट देता है राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी वेयर द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी. फर्स्ट टर्म आपको ए की वैल्यू गिवन है 4 और डी की वैल्यू गिवन है माइनस 3. इसलिए हम फर्स्ट फोर टर्म आपको निकाल के दिखाएंगे, मीन ए वन ए टू ए थ्री ए फोर. ए वन जो है फर्स्ट टर्म ए के इक्वल है दैट इज 4. ए टू का फॉर्मूला याद कीजिए, जैसे ए एन का फॉर्मूला था हमारे पास, याद कीजिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन की जगह आप टू रखिए, ए प्लस टू रखिए टू माइनस वन डी.
a plus 2, अच्छी वैल्यू, a की वैल्यू 4, d की minus 3, 1, a 3, n की जगह आप 3 पुट कीजिए, a plus 3 minus 1, 2d, या सेकंड टर्म में d ऐड कर सकते हैं आप इसको ऐसे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कि डायरेक्ट ही a2 plus d तब भी आपका काम चल जाएगा, या ये फॉर्मूला, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू minus 3, तो 4 minus 6 minus 2, इसी तरह में a4 का फॉर्मूला, n की जगह आप रिप्लेस कीजिए 4, a plus 4 रखेंगे तो 3d, a की वैल्यू 4 और d की minus 3, तो कीजिए आप 4 minus 9 minus 5, आप इस तरह निकाल सकते हैं, चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म में d ऐड कीजिए, आपकी सेकंड टर्म आ जाए, सेकंड में d ऐड कीजिए, थर्ड आ जाएगी, थर्ड में d ऐड कीजिए आपकी फोर्थ टर्म सॉल्व हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, फोर्थ आपको नहीं एलपी, एलपी आपको गिवन है, राइट आउट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, गिवन एपी इज, एपी गिवन है भाई हमारे पास यहां, एंड ये हमारे पास हम एक तरीके का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में ए भी कह सकते हो आप या ए वन कह सकते हैं, ए कहो या ए वन, फर्स्ट टर्म लिखिए 3, डी जो है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म देखिए यहां पे क्या 1 माइनस 3 माइनस 2, यहां से भी आप निकाल सकते हैं माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, या माइनस 3 में से माइनस 1 को माइनस करेंगे तब भी आपके पास क्या आएगा माइनस 2, एपी हमें गिवन है, प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें गिवन है कि आपको ये चेक करना कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं, और जहां एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस और राइट हैंड 3 मोर टर्म, इससे अलग 3 टर्म और हमें निकालनी है। फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, गिवन सीक्वेंस इज, ये है भाई देखिए 2, 4, 8, 16 एंड 7, हमें चेक करना है एपी है या नहीं, तो यहां से आप चेक कीजिए ए टू माइनस ए वन और माइनस टू दैट इज 2, ए थ्री माइनस ए टू 8 माइनस 4 4, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, यहां a2 minus a1 not equal to a3 minus a2, ap के लिए ये दोनों सेम होनी चाहिए वैल्यू, बट यहां पे ये इक्वल नहीं है, तो imply the hence given sequence not form an ap, अगर ये ap ही नहीं है तो हमें आगे कोई भी टर्म इसकी फाइंड नहीं करना। और क्वेश्चन देखिए, पहले हमें एपी चेक करना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट टर्मों के बारे में यहां पे बताना है। फोर्थ पार्ट आप देखिए इसका, गिवन सीक्वेंस इज माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 एंड 2 एंड 3, ओके हम बात करते हैं ए टू माइनस ए वन, माइनस सिक्स में जिसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा आपके पास 4, ए थ्री माइनस ए टू माइनस टू में से माइनस सिक्स माइनस करेंगे तो प्लस, एंड ए फोर माइनस ए थ्री टू में से माइनस टू को माइनस करोगे प्लस, इनमें सभी में देखिए आपकी वैल्यू क्या है सेम है, एंड फिर इंप्लाइज गिवन सीक्वेंस फॉर्म एंड एपी, जो हमारे पास सीक्वेंस है वो किसको फॉर्म करती है एपी, विद फर्स्ट टर्म में ए की वैल्यू देखिए क्या माइनस 10 एंड डी हमारे पास है 4, तो आपको नेक्स्ट थ्री टर्म और निकालनी है, तो याद रखिए 1, 2, 3, 4 फोर टर्म है, तो नेक्स्ट फिफ्थ नेक्स्ट सिक्स और नेक्स्ट सेवेंथ टर्म, ए फाइव का फॉर्मूला देखिए आप, ए एन के फॉर्मूले से ए प्लस 4d इधर a प्लस 5d, आप ऐसा भी कर सकते हैं a 5 के लिए कि डायरेक्ट ही a 4 में d ऐड कर दीजिए, यहां पे आप
A5 में D ऐड कर दीजिए और इसके लिए A6 में D ऐड कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए A4 की वैल्यू देखिए 2 और D आपका है 4, तो 2 प्लस 4 दैट इज 6, यहां लिख लीजिए आप, यहां पे 6 है प्लस 4 10, यहां भी कीजिए आप क्या है प्लस 10, 10 में 4 ऐड कीजिए 14, इस तरह भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं या हम इस फॉर्मूले में वैल्यू कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में भी अगर आपने वैल्यू रखी तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू हमारे पास थी माइनस 10 और 4 इंटू 4 तो माइनस 10 प्लस 16 दैट इज 6, बात आपकी वही आ जाएगी सेम आएगी जैसा आपको ठीक लगे। फिर अब आते हैं वापस फर्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन के काफी पार्ट है जिसमें आपको लगेगी एक भी है आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, हम एक आध पार्ट और ट्राई कर लेते हैं, एक पार्ट हो जाएगी। पार्ट नंबर 12 ये है आपके पास रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस है हमारे पास। इस सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं आप इसको ओपन कीजिए रूट 2, यहां से आप फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 2 रूट 2, यहां से फिर फैक्टर करोगे 3 रूट 2 और यहां से 4 रूट 2, इस तरह की आपकी फिल्म आ जाएगी। ए टू माइनस ए वन, ए टू है 2 रूट 2 माइनस रूट 2 तो ये वैल्यू आएगी हमारी रूट 2, ए 3 माइनस ए टू 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 ये भी रूट 2, ए 4 माइनस ए 3 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 तो ये भी रूट 2। आपके पास डिफरेंस देखिए सभी क्या है सेम, गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन एपी विथ ए की वैल्यू है रूट 2 एंड डी की वैल्यू अगेन रूट 2, हमें नेक्स्ट 3 टर्म चाहिए। देखिए आपके पास 1 2 3 4 टर्म गिवन है यहाँ पे, तो ए 5 जैसा कि मतलब ए 4 प्लस डी, ए 4 देखिए हमारे पास क्या था 4 रूट 2 प्लस रूट 2 दैट इज 5 रूट 2, इसी तरह आप ए 6 सीधा कर सकते हैं ए 5 प्लस डी 5 रूट 2 प्लस रूट 2 दैट इज 6 रूट 2, ए 7 ए 6 प्लस डी इन 6 रूट 2 प्लस रूट 2 7 रूट 2, इस तरह आप टर्म लिख के डिफाइन कर सकते हैं। ये हमें नेक्स्ट थ्री टर्म तभी निकालना है अगर सीक्वेंस हमारी एपी को फॉर्म करती है, अगर एपी को फॉर्म नहीं करती तो आपका क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। हम सीधा लिखते हैं गिवन सीक्वेंस नॉट फॉर्म एन एपी, नोट कीजिए आप इसको क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है पहले हमें क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन रोड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमें चेक करना है वो सिचुएशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती है या नहीं। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज आरएस 15 किलोमीटर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड सीक्वेंस, तो फर्स्ट टर्म आपकी होगी 15 है फर्स्ट किलोमीटर की जो फेयर है एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब हर एक बार जो नेक्स्ट वो आएगा तो इसमें एक एडिशनल वो है किलोमीटर क्या चार्ज है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर आर 15 किलोमीटर फॉर फर्स्ट किलोमीटर और सेकंड के लिए क्या होगा 8 इसमें एक्स्ट्रा ऐड कीजिए आप इन 23 फिर ये ऐड कीजिए 31 एंड सो ऑन, a2 माइनस a1 23 माइनस 15 दैट इज 8, a3 माइनस a2 31 माइनस 23 दैट इज आल्सो 8,
So therefore, given sequence form an AP with सिर्फ आपको वैसे एपी ही चेक करना था, एपी है या नहीं, इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन चेक कर सकते हैं. थैंक यू.